श्योपुर से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भिंड मुरैना से होते हुए सोमवार को सैंबड़ा विधानसभा क्षेत्र के इंदरगढ़ पहुंची। यात्रा का कांग्रेस नेता नीरज राठौर के नेतृत्व में इंदरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मालूम हो कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष लाहर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं। इंदरगढ़ में हुई आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश में घोटालों और भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं, इससे शिवराज सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में उनकी नाव अब डूबने वाली है और नवंबर दिसंबर में डूब ही जाएगी। महिलाओं के 33% आरक्षण पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पहले ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रस्ताव रख दिया गया था, लेकिन भाजपा के ही लोगों ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर आपत्ति लगाई थी और हाईकोर्ट में अपने ही दलाल भेजकर महिला विधायक को रुकवाया था। तब मैंने ही पंचायत और नगर पालिका में मध्य प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था। यात्रा प्रभारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा नेताओं को हिटलर का उपासक बताया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के गाने पर दिए गए बयान पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी में यही सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, बराबर बोलो और जोर से बोलो। इन्हें झूठ बोलने का नशा है, तभी तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जन आक्रोश रैली में बजाए जा रहे गाने को पाकिस्तानी गाना बता रहे हैं। भाजपा धर्म की आड़ लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का कार्य करती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा ने उज्जैन के शिव महालोक के नाम पर भगवान शिव मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार किया और शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो ये भाजपा के लोग प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ देंगे। वहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। युवा बेरोजगार है, लाडली बहना प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है और कंस मामा चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। प्रदेश को कर्ज में डुबा दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। जन आक्रोश रैली को विधायक घनश्याम सिंह ने भी संबोधित किया और सेवड़ा के चहुमुखी विकास के लिए एक बार फिर से उन्हें चुनाव भारी वोटों से विजय बनाकर विधानसभा भेजने का आग्रह जनता से किया। जिससे हमें कुछ बदल देती अब मैं आपसे पूछना चाहता कि यहाँ के देश के गरीबों को, प्रदेश के गरीबों को इस भाजपा के राज में क्या मिला? महंगाई मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? महंगाई खाने का तेल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? गैस की टंकी महंगी हुई कि नहीं हुई? तो आशीर्वाद के साथ रुपया किलो सुना रहे हमें आशीर्वाद देने लायक है ये लोग। आज गरीबों की हालत ये है कि मुश्किल से दो टाइम की रोटी मिला पा रहे हैं, इस बात का आशीर्वाद दे। जब आपकी गरीब दिन भर की कमाई करके बोल जाता है तो उसको दो टाइम खाने का रोटी भी, बच्चों की फीस भी उसको देनी पड़ती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का ये गरीब तो आपको आशीर्वाद नहीं देगा, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा में हम आपके साथ नहीं देगा। अनुसूचित जाति के लोगों को जो जमीनें कांग्रेस ने बांटी थी उस पर बड़े बड़े लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कब्जा किया कि नहीं किया? उनके पट्टे कैंसिल किए कि नहीं किए? उनको दुखी किया कि नहीं किया? फिर आशीर्वाद किस बात का? किस बात का आशीर्वाद? जिसकी तुमने जमीन छीन ली, जिसकी तुमने संपत्ति छीन ली, उसको किसान के आशीर्वाद? आदिवासी, अंतो जनजाति के लोग कांग्रेस से जमीनें दी के नहीं थी? अनुजाति जनजाति के भर्ती से खाली है ले लेना। और जब भर्ती होती है
तो जिसके पास पैसा होता है उसी को नौकरी मिलती है, बाकी गरीब का बच्चा हो क्या होते हुए उसको नौकरी नहीं मिलती। आशीर्वाद जो आशीर्वाद दे, मैं पूछना चाहता हूँ किसानों से, कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में 75,000 करोड़ का कर्जा दिया, मोदी जी ने अभी तक लोग भारत का आंदोलन होते आगे क्या करो, इसलिए सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा कोई फर्क नहीं मिला, 50 रुपये ठगा दो इनको खरीदना में किया हो। आज मध्य प्रदेश में 7.5 लाख पद नगर मंडलों सरकारी पदों पर खाली है, लेकिन शिवराज सिंह पटवारी की भर्ती कराते हैं वहां घोटाला करते हैं। इसलिए आक्रोश है जनता का, कोरोना काल में जब दो भाई बहन कर्फ्यू रहा उस समय लगातार 15,000 महीने में शिवराज सिंह ने जिसके प्रभाग के मंत्री स्वयं थे और उन्होंने 15,000 करोड़ बच्चों का पेट का दलिया महिलाओं का फूस रहा हड़प दिया। तो आपको यात्रा इसलिए है अभी सतपुरा भवन में आतंकवादी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी पूरी घोटाले में नहीं साइकिल बटी नहीं, और जो स्वास्थ्य विभाग के जो दवाइयाँ कोरोना काल में आई थी करोड़ों रुपए के धन दवाई आए बिना इंजेक्शन आए आई हुई, तो जो इंजेक्शन बजाय 50 रुपये में लगता था उन्हें 5,000 बनाया, और इस तरह 10,000 करोड़ का घोटाला केवल पास में। इसलिए दस्तावेज जमा दिए, तीसरे मंजिल में आग लगी, चौथे में पहले से उतर गुजर, और करीब 2,000 कर्मचारी सब काम कर रहा था, आग लगी सब कर्मचारी सूचन बाहर आ गए, एक भी कर्मचारी के साथ था जितने फायदे थे सब फायदे लेने के तो साल में बाहर हो सकते थे, लेकिन जो साजिश थी आग लगने की मशहूर है अलग बनाई थी 15 करोड़ की आई थी वहां बना के रख दी, इसका ड्राइवर भगा दिया, इस तरह का घोटाला शिवराज सिंह किया है, इसलिए आप जनता आक्रोश हो गए। मैं आपने अत्याचार पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्षों में बच्चे नाबालिग बच्चे बच्चियां महिला 1,07,000 गाय हो, पता नहीं ये कहाँ है, सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में महिलाओं पर है, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मतलब प्रभावित हो रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के पेपर पेशाब करते हैं, और मुख्यमंत्री नौटंकी करके उसको साफ करवाने का काम करता है, उसके मकान खोलने के लिए मुंडा जन भेजा, लेकिन दिखाकर फैमिली फोटो लगवाकर बहुत उठा गया। ये सब शिवराज सिंह के द्वारा किए जाए कृत्य है। आज बेरोजगार है, छोटा सा परिवार भी है, इसलिए बर्बाद हो गया, इसलिए नाराजगी है, इसलिए आक्रोश है, महिलाओं पर अत्याचार, इसलिए आपके